अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो पहले इसका गिवन पार्ट एक बार रीड कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। फॉर्मेट्स मैंने पहले ही बना लिए, मुझे चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, चाहिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और नई बैलेंस शीट हमें बनानी है क्वेश्चन में, ठीक है। सो क्वेश्चन को देखें, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ रेशियो ऑफ 3:1। तो हमारे पास दो पार्टनर हैं पी एंड क्यू और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। आगे क्वेश्चन ने कहा है, आर इज एडमिटेड एंड द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 2:1:1। आर का एडमिशन हुआ है और नई पीएसआर डिसाइड हो गई है, न्यू पीएसआर 2:1:1, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं आर का एडमिशन कितने हिस्से के लिए हुआ है, आर का एडमिशन हुआ है 1/4 के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू एज एट 31 मार्च 2009 वाज एज अंडर। हमें बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल दोनों पार्टनर्स की दी है, एसेट्स में बैंक का बैलेंस है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्लांट एंड मशीनरी और प्रमाइसेस गिवन है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इट वाज डिसाइडेड दैट पार्ट ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड, रिवैल्यूएशन का पार्ट स्टार्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट भी रिवैल्यूएशन पर है, बी ये भी रिवैल्यूएशन है, थर्ड पॉइंट भी रिवैल्यूएशन के ऊपर है, फोर्थ भी रिवैल्यूएशन के ऊपर है, फिफ्थ पॉइंट में कहता है आर शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 20,000। आर का गुडविल का शेयर कितना है, 20,000 रुपए है, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इट इन कैश। कोई इशू नहीं है, अगर कैश नहीं लेकर आ पा रहा तो क्या करेंगे हम, उसके पर्सनल अकाउंट, पर्सनल कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फर्म, यानी कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना है, कितनी कैपिटल लेकर आएगा और टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, मैं आपके पास यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूँ वर्किंग नोट में, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, क्यों चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल जो 20,000 वो नहीं लेकर आ पा रहा, उसका शेयर है, उसे हमें एडजस्ट करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है, उसके बाद रिवैल्यूएशन करेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट पर आएंगे और फाइनली बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, किससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, ठीक है। चलिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं इस क्वेश्चन में, यही वर्किंग नोट बना लेते हैं, यहां पर स्पेस है थोड़ा सा हमारे पास। वर्किंग नोट नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना है, ठीक है। पार्टनर्स के नाम है पी क्यू एन आर, तो देखिए पी क्यू आर ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3/4 एंड 1/4, आर का हिस्सा 0 है, न्यू रेशियो की बात करें 2/4, 1/4 एंड 1/4। आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर, ये आ गया हमारे पास 4, 1/4, 0 एंड -1/4, यानी इसको हुआ है गेन, आर को क्या हुआ है, गेन हुआ है, और सेक्रीफाइस किसने किया है, सेक्रीफाइस किया है पी ने, ठीक है जी। क्यू ने ना तो कोई सेक्रीफाइस किया ना कि गेन किया, तो मैं लिख सकता हूं सेक्रीफाइस किसने किया है, सेक्रीफाइस जो किया गया है सारा किया गया है बाय पी, और ये गेन हुआ है 1/4 का सेक्रीफाइस इसी ने किया है, क्योंकि सारा 1/4 शेयर ही मिला है उसे, और ये 1/4 शेयर किसने दिया है उसको, ये दिया है पी ने। इसके लिए आप रेफर करेंगे, वर्किंग नोट मैंने बनाया है, इसमें इरेज कर दूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिवैल्यूएशन पर, तो रिवैल्यूएशन को स्टार्ट करें हम लोग। तो रिवैल्यूएशन में देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन नंबर 72 में सबसे पहले बोला है, पार्ट ऑफ स्टॉक व्हिच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000 हैड बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज एंड कुड रियलाइज ओनली 2,000। स्टॉक है हमारे पास 8,000 का, ठीक है ना, जो कि हमारी बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसमें केवल 2,000 रुपए रियलाइज होंगे 8,000 के स्टॉक का। टोटल स्टॉक ज्यादा का होगा, बट उसमें से 8,000 का हिस्सा ऐसा है जिससे केवल 2,000 रियलाइज होने हैं, यानी 6,000 का नुकसान है स्टॉक में हमें, तो रिवैल्यूएशन में स्टॉक को 6,000 से कम कर दे, टू स्टॉक 6,000 रुपए। इसके बाद वो कहता है सेकेंड पॉइंट में, बिल फॉर 7,000 फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो एक बिल है, एक आउटस्टैंडिंग रख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस आउटस्टैंडिंग कितना, 7,000 का एक बिल है, ठीक
ठीक है, उसके बाद नुकसान है और हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ गई है। थर्ड पॉइंट में कहता है प्लांट एंड मशीनरी वाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20,000। प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड दिख रही है, कम करें इसे, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20,000 है तो इसे डिक्रीज किया हमने, ये भी नुकसान हुआ। प्रमाइसिस भी अप्रिशिएटेड 2-3 लाख, 3 लाख पर लेकर जाना है, बुक में कितना है 275, तो प्रमाइसिस को बढ़ा दीजिए 25,000 से, बाय प्रमाइसिस 25,000 रुपए। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 40%, 40% पर लेकर आना है प्रीपेड एक्सपेंसेस को। 20,000 के हैं, 20,000 का 10% कितना होगा 2,000 रुपए, तो 40% 8,000, 8,000 पर लेकर आना है, यानी 12,000 का नुकसान। 12,000 का नुकसान लिखिए यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस से, ठीक है 12,000। तो देखिए हमारे पास जाहिर सी बात है इधर एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहे हैं, नुकसान ज्यादा हुए हैं, प्रॉफिट कम ही है, तो इन सब का टोटल करें जरा हम, कितना आ रहा है ये हमारे पास 20, 30, 30 और ये कितना हो गया 9, 39, 39 और ये 45 हो गया। आप भी टोटल कर लीजिएगा, रिवैल्यूएशन में जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कितना आ रहा है 45 आ गया, ये सारे लॉसेस का टोटल 45 है, इधर कितना है 25, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 20,000 का। ये 20,000 क्या आ गया, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है, इसे क्या करेंगे हम अपने पार्टनर्स को दे देंगे, किस रेशियो में, उनकी ओल्ड रेशियो में, तो यहां लिख सकते हैं टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स है पी एन क्यू, और रेशियो क्या है 4:1, तो 20,000 के जरा 4 हिस्से कीजिए, कितना होगा एक हिस्सा, 20 को 4 से डिवाइड किया एक हिस्सा आ गया 5,000, तो यहां पर आप कितना लिख सकते हैं 15,000, 5 × 3 15 और 5 × 1 यानी 5,000, ठीक है। तो आपने पीएसआर में बांट दिया 3:1 में इस लॉस को। अच्छा ये रिवैल्यूएशन का लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, यहां पे लिख देते हैं, ये नाम लिख दूं मैंने पहले में, पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर, ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस डालें तो यहां पे क्या आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी लॉस निकाला है 15,000 और 5,000, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया, उसका लॉस भी ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। अब आगे चलें एडजस्टमेंट की तरफ, तो एडजस्टमेंट की तरफ चलने से पहले मुझे पी एन क्यू की कैपिटल निकालनी है एज ऑन द डेट ऑफ आर्स एडमिशन कितनी होगी, तो देखिए उसके लिए मुझे ओपनिंग बैलेंस लिखना है 3,50,000 और 2,20,000, लिखें इसे भी हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000 और 2,20,000, ठीक है जी। इसके बाद देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करें पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ये भी, तो इसे लिखें बाय पीएनएल अकाउंट 60,000 है, जरा 60,000 के 5 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा कितना आ गया 12, 12 × 3 24, 36 हो गया, 36,000, 36, एक मिनट सॉरी, ओल्ड रेशियो यही थी ना, तो 12 × 3 36 हो गया, हाँ जी, और ये कितना आ गया एक मिनट, ये सही तो बांट रहे हैं ना, कितना था हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट देखिए जरा बैलेंस शीट में 60,000 का है, ठीक है। अब 60,000 को हम पीएसआर में बांटे तो कितना अमाउंट जाएगा हमारे पास, ये देखिए 4 हिस्से करने थे सॉरी, ये एक हिस्सा 15,000 आएगा, 12,000 नहीं है ना, इसीलिए गलत आ रहा है। काम करो 60,000 के प्रॉफिट को 4 से डिवाइड किया, 15 आया ना, मैंने 12 लिख लिया था, ठीक है, तो 15 × 3 45,000 यानी 45,000 और 15 × 1 यानी 15,000, ठीक है। चलिए इससे आगे चले हम लोग, अब हमने प्रॉफिट बांट दिया और देखो कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं है बैलेंस शीट में, नहीं है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट चीज, वो तो जो प्रीमियम लेकर आना था आर ने और लेकर नहीं आ पाया 20,000 रुपए का, उस प्रीमियम को भी पार्टनर को दे दें, यहां पर क्या आएगा बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, उसका पर्सनल कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर लिया है, और ये किसे मिलना चाहिए, एंटायर सेक्रीफाइस किसने किया है
इंटायर सेक्रीफाइस किया है पी ने, तो सारा पैसा 20,000 का 20,000 इसके अकाउंट में जुड़ना चाहिए, जोड़ दिया। और ये हमें लेना किससे है, ये हमें लेना है आर से, तो आर के यहाँ पे 20,000 कम कर दें, ये लीजिए। और यहां क्या आ जाएगा, अकाउंट कौन सा हिट होगा, पीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया, बस अब फाइनलाइज है, अब क्लोज कर सकते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं फटाफट, इन अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, ठीक है। मुझे टोटल बताइए आप लोग, देखिए इधर कितना आ गया हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास, आप भी टोटल करिए, 5, और ये कितना आ गया, 9 और 11, 4, 4,15,000 इस साइड का टोटल आया, और ये कितना आ गया, 30, 35, 2,35,000, 2,35 और 4,15। अब इधर देखिए, 4,15 में से 15 गए तो कितना बचा क्लोजिंग, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। कितना आ गया हमारे पास, 4,00,000 रुपए। इधर देखिए, 2,35 में से 5,000 गए हैं तो कितना आ गया, 2,30,000 रुपए। तो यहां पर 4,15 लिख दीजिए। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट पर आ चुके हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ओल्ड नए पार्टनर की कैपिटल देनी है तो ओल्ड के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पोर्शन को, ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने निकाली है, इसे मैं रब कर देता हूं, यहीं पर वर्किंग नोट बनाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए, हाँ जी, देखिए हमें निकालनी है कैपिटल आर की, सो वर्किंग नोट का नाम देते हैं कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ आर्स कैपिटल। आर की कैपिटल निकालनी है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल निकालो, कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू कितनी आ गई जी हमारे पास, ये आ गया 4,00,000 प्लस 2,30,000, 4,00,00 प्लस 2,30,000, ये है ना, 4 और 2,30,000 कितना आ गया, 6,30,000। 6,30,000 क्या है, इन दोनों की कैपिटल है, जो कि अगर टोटल फर्म में बात करें, जो हमारा आर आया है 1/4 हिस्से के लिए आया है, तो ये कैपिटल कितनी है, ये 6,30,000 बराबर बनती है हमारे 3/4 के बराबर है। देयरफॉर टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 36, 4/3 टोटल कैपिटल आ जाएगी। 3 से किया हमने, ये गया 2 और 1, 2,10,000 गुना 4 तो कितना आ गया, 8,40,000। 8,40,000 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई कितनी, 8,40,000। अब 8,40,000 तो टोटल कैपिटल है, तो आप कहें कि आर का शेयर कितना है इसमें, आर कैपिटल कितनी होगी, 8,40,000 इंटू में 1/4 यानी कि 2,10,000। तो ये उसकी कैपिटल बनी नए पार्टनर की, आर की। तो ये कैपिटल होनी चाहिए क्लोजिंग में 2 लाख, अच्छा क्लोजिंग में नहीं होनी चाहिए, एक बार सुनिएगा ध्यान से मेरी, ये अभी यहां पर एक कैश लेकर आएगा इसका, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। कैश अकाउंट है बैलेंस शीट में, सॉरी बैंक है तो बैंक लिख दीजिए इसको, ठीक है, बैंक अकाउंट, और वर्किंग नोट नंबर दे सकते हैं आप इसे 2, ठीक है। और ये गुडविल आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिखाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करवा दी थी मैंने आपको, यहां पर आप इसे दिखाइए, 2,10,000, 2,10,000। अब हम लोग तो इस एडजस्टमेंट को करंट अकाउंट वगैरह से कर नहीं रहे, ठीक है, तो यहां पर 2,10,000 लाना है, जिसमें 20,000 वो नहीं लाया, तो उसका क्लोजिंग हमने उसी अकाउंट से हिट किया, तो यहां कितना बच्चे आएगा, 2,10,000 में से गए तो 1,90,000, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं बैलेंस शीट पर, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल ही लिख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट लिख रहा है पी क्यू एंड आर, कितना बना था हमारा ये 4 लाख, फिर आया था 2,30,000 और फिर आया 1,90,000, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये आ गया 4 और 3 7, 4 और 3 7,
सात और एक बीस, एक बीस हो गया ना, तो 8,20,000 हो गया हमारे पास। ये 20,000 कम क्यों बन गया? देखो वैसे टोटल कैपिटल कितनी आई थी, 8,40,000। 20,000 यहाँ पे उसका पर्सनल अकाउंट हमने डेबिट भी किया था ना, गुडविल नहीं लेकर आया तो कम कर दिया था, इसलिए 8,20,000 आ गया हमारे पास। इसके बाद देखें आप हमारे पास बैलेंस शीट को, तो क्रेडिटर्स को हमने कहीं भी इंपैक्ट नहीं डाला था, तो क्रेडिटर एज इट इज आ जाएंगे नई बैलेंस शीट में भी। क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 30,000 की। उसके बाद बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया था, खत्म हो गया। एक नई चीज आई थी हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी के आउटस्टैंडिंग चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 7,000 रुपए के हैं, ठीक है। और देखें तो अब एसेट साइड पर आते हैं, क्योंकि सारी चीजें एसेट साइड की हैं। बैंक बैलेंस में देखें तो हमारे पास बैंक अकाउंट में 15,000 पहले से हैं, प्लस 2,10,000 ये लेकर आया। 15 प्लस 2,10,000 कितना हो गया? 2,25,000, ठीक है ना, मैंने वर्किंग नोट में नहीं दिखाया, 15 प्लस 2,10,000। उसके बाद डेटर्स की बात करें तो डेटर्स में हमने कोई एडजस्टमेंट किया? नहीं किया। एक 60,000 एज इट इज आ गए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक हमने बताया था ये 8,000 के, इसमें कैसा स्टॉक है जो कि 2,000 रियलाइज करेगा, यानी 6,000 हमें कम करने हैं स्टॉक में। 1,50,000 है टोटल, 1,50,000 में से 6,000 गए तो कितना बचा? 1,44,000। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस पर। उसने बोला था प्रीपेड एक्सपेंसेस को 12,000 से कम करने के लिए, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस अब कितने रह जाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस रह जाएंगे केवल 8,000 रुपए के। इसके बाद देखिए आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितना है? 1,40,000। उसने बोला है प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 से कम करने के लिए, तो कितनी वैल्यू बच गई? 1,20,000 वैल्यू बच गई हमारे पास। उसके बाद बात करते हैं प्रमाइसेस की। प्रमाइसेस उसने 25,000 से इंक्रीज करवाई है, तो नई वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3,00,000 रुपए आ गई। पहली वैल्यू थी 2,75,000, 2,75,000, ठीक है जी। तो सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं। अब आप फटाफट मुझे दोनों साइड का टोटल करके बताइए कितना आ रहा है, ठीक है ना, और फिर आगे इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। बस टोटल करके बता दीजिए मुझे जल्दी से आप, ठीक है? हाँ जी, तो बताइए कितना आ रहा है। पहले लायबिलिटी साइड को टोटल कर लीजिए, फिर एसेट साइड को भी टोटल करते हैं, जल्दी बताइए कैलकुलेट करके। हाँ जी, कितना आ गया हमारे पास लायबिलिटी साइड? 8,57,000, 8,57,000। एसेट साइड ये भी सेम है, चलिए 8,57,000। ध्यान रखिएगा जो बच्चे गुडविल को करंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहे थे उनके यहाँ पे यहाँ जो टोटल है ये ज्यादा होगा, और यहां पर करंट अकाउंट दिख रहा होगा। मैंने कैपिटल में एडजस्ट कर दिया इस चीज को, इसीलिए मेरा, आपके अगर आंसर से देखें आपकी बैलेंस शीट को बुक में, तो उन्होंने बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है 8,77,000, तो ये डिफरेंस इसी के कारण आ रहा है। बाकी दोनों साइड मैच कर रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही है। जो वो चाहते हैं उस तरीके से करना, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2,10,000 की कैपिटल दिखाएंगे इस पार्टनर की, 1,90,000 की जगह 20,000 फालतू, और इधर दिखाएंगे आर, सॉरी ये कौन है, आर का करंट अकाउंट दिखा देंगे, तो अपने आप दोनों साइड 20,000 बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैंने करंट अकाउंट को इसी में से एडजस्ट किया हुआ, यानी करंट अकाउंट मैंने बनाया ही नहीं है। क्यों? कहीं पे कोई हिंट ही नहीं था कि करंट अकाउंट बनाए, जबरदस्ती नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 73 पर चलेंगे इसके बाद। अब जल्दी से आप लिख लीजिए इसको। हाँ जी, तो मैं आप कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए डिटेल बता दूं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारा जो चैनल देख रहे हैं, चैनल का नाम है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है। YouTube पे हमारा ये चैनल है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, यहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। आप हमें YouTube पर इसी नाम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप YouTube पे जाइए, SR अकाउंटेंसी क्लासेस लिखिए, हमारी सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी यहाँ पर। आप चाहें तो हमें Facebook पर भी फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको SR अकाउंटेंसी क्लासेस ही सर्च करना है Facebook पर, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मुझे बतानी है वो ये है, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कैसे मुझसे पूछ सकते हैं? जब आप वीडियोस को देखते हैं यूट्यूब पर तो नीचे कमेंट कॉलम आता है, वीडियोस के नीचे यूट्यूब पर कमेंट कॉलम आता है,
वो आप कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को लिख सकते हैं। हमने आपको कोई क्वेश्चन समझाया या कोई कॉन्सेप्ट समझाया और उसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कॉलम में मुझे लिख दीजिए, मैं श्योरली आपको उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ, 9261004x7। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है, ठीक है। इसके बाद आप जो हमारे चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आ जाता है आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, यानी एक अलर्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली, आपको बार बार चैनल पर जाकर देखना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कोई नया वीडियो आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड एक और बात है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वो है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट क्या है, जब आप हमारे YouTube चैनल पर जाते हैं तो हमने चैप्टर वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप नॉर्मली हमारे चैनल पर जाएंगे तो सारे वीडियोस किसी रैंडम ऑर्डर में है, कोई एक सीक्वेंस नहीं है वीडियोस का। हो सकता है 11th के बाद 12th के वीडियोस मिल रहे हो, मिक्स्ड मिलेगा। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को चैनल पे जाके, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू देखिए। सपोज आपको 11th का चैप्टर 1 देखना है तो चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देखिए ताकि आपको सारे वीडियोस एक ऑर्डर में मिले। इसके बाद एक और चीज मुझे बतानी है आपको, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आता है, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, इससे मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि किस तरीके से आप हमारे कंप्लीट कोर्स के लिए असेस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, आगे चलते हैं, क्लासेस में मिलते हैं आप लोगों से।